तुम्हें पता है सुजोय, उस दिन तुम्हें बाल बाल बची हो। अगर गायत्री माँ ने गलती से भी कुछ भी सुन लिया होता तो शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, रौनक जी मेरे हो जाएंगे और फिर मुस्कान को कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा कीजिए, आप टाइम पर दवाई लिया कीजिए और रेस्ट किया कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। और वैसे मानना पड़ेगा सुजोय, उस दिन मीडिएटर वाली बात जो तुमने संभाली है, दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। वरना उस दिन तो मैं घर से आउट ही थी, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ ऐसे हार नहीं मान सकती तो। क्या क्या हार नहीं मान सकते? मीडिएटर ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला बदला भी जा सकता है। कैसे 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 रोका जा सकता है? जान की बाजी लगाकर। फिर तुमने बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। बाप बेटे तो पूरी तरह से कन्विंस हो गए हैं कि अगर उन दोनों में से कोई किसी की जान लेगा तो वो उन दोनों में से कोई एक ही होगा। लेकिन बस जब तक मिसेस सिन्हा हमारे घर पर हैं, तब तक हम किसी की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। बस एक बार मिसेस सिन्हा अपना फैसला मेरे और रौनक जी के हक में कर दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरी लास्ट कुछ कोशिशें बाकी है ताकि ये सारा खून खराबा खत्म हो जाए और हम दोनों को वो मिल जाए जो हमें चाहिए। मुझे मेरे रौनक जी मिल जाए और तुम्हें तुम्हारी मुस्कान। और अगर मेरी मुस्कान मुझे नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काटने की जरूरत नहीं है, और ये जो कवर चढ़ाया ना कॉपी पे, साफ कवर, बिल्कुल तुम्हारी मन की तरह साफ है। ये लो, टैक्सी अप किया, लो लो टिकट। क्यों नहीं बोलोगी? क्या नाम? मुस्कान रौनक सिंह के होते हैं। अपने सपने या फिर अपनी इस पढ़ाई से तुम्हें कभी भी मुंह फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हम फेरने देंगे। ये लीजिए। रौनक जी आपके सर में बहुत दर्द हो रहा होगा, तो मैं हेड मसाज कर देती हूँ, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। नहीं, हम ठीक है, हम दवाई ले लिया, हम थोड़ा रेस्ट आएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ये सर दर्द तो लगता है रोज ही लगा रहेगा। सिन्हा मैडम जल्दी ही फैसला कर दो यार। हम ठीक हैं, ओके? काजल, क्या हुआ?
जाए मैं उस खान में मर जाऊंगी। काजल मुझे बचा लीजिए। रौनक जी, रौनक जी, रौनक जी, रौनक जी उठिए, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रौनक जी, रौनक जी मुझे बचा लीजिए। काजल बचा लो, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहाँ से बचा ले मैं तुमको? काजल मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए रौनक जी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए रौनक जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। काजल रौनक जी मुझे छोड़कर। अरे काजल, अरे बात क्या है, क्या हुआ? रौनक जी आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ रौनक जी। रौनक जी आप ठीक हो? मुझे बहुत डर लगा रौनक जी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे बहुत डर लग रहा है रौनक जी। अच्छा रिलैक्स, आओ बैठो, आओ चलो, आओ रिलैक्स। और जी प्लीज आप मुझसे दूर मत जाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे नहीं, दूर जाए दोगे तब तो जी प्लीज। रौनक जी, रौनक जी प्लीज। यहाँ बैठ जाओ ना तुम, देखो रौनक जी मुझसे दूर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ, कुछ गिरने की आवाज आई? अरे वो काजल ने कोई डरावना सपना देख लिया, बहुत घबरा गई थी, रौनक जी उसे संभाल रहे हैं और डर की वजह से वो गिर गया था, इसके लिए उसकी आवाज आई होगी आपको। डरावना सपना इसने देखा और नींद मेरी उड़ गई है। खैर सो जा तुम लोग। This is so awesome. Mrs. Sinha का यहाँ आना तो मेरे प्लान में था ही नहीं। क्या सही टाइमिंग हो गई अब तो। अब उन्हें लगेगा कि मुस्कान से रौनक को सिर्फ हमदर्दी है, लेकिन वो रहना सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चाहता है। कल रात को ट्रेलर तो देख लिया था मिसेस सिन्हा ने, बस पूरी पिक्चर देखनी बाकी है, उसके बाद रौनक जी मेरे और मुस्कान इस घर से आउट। मिसेस सिन्हा, गुड मॉर्निंग। आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। कल रात को भी इसे संभाल रहा था रौनक, और आज सुबह भी काजल के साथ ही है। चलो शायद कुछ दिनों में मैं फैसला कर पाऊंगी। हाँ मुझे थोड़ी जल्दी है, आप जल्दी से ले आइए। थैंक यू सो मच रौनक जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। इट्स ओके हम। रौनक जी क्या है? एक्चुअली नाश्ता तैयार है, आप ये प्लेट मुस्कान के लिए ले जाइए ना, मैं मिसेस सिन्हा के लिए दूसरा लगा दूंगी। ठीक है।
मिसेस सिन्हा ने मेरे और रौनक जी के बीच की नजदीकियां तो देख ली, बस अब मुस्कान की बदतमीजी देखनी बाकी है। फिर तो सब कुछ मेरे फेवर में ही होगा।